वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। आपको बता दें कि आज लोहड़ी पर ये तीनों कानूनों की कॉपी जलाएंगे किसान। और आपको ये भी बता दें कि किसान संगठनों ने कमेटी का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पास नहीं जाने का ये बड़ा फैसला लिया है किसानों ने। और आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है। 15 जनवरी को सरकार किसानों में ये बातचीत होने वाली है। अब देखना लाजमी होगा कि जिस तरीके से लगातार किसानों सरकार के बीच में बातचीत हो रही है, हर बातचीत में कोई जो हल है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है, बेनतीजा रही है हर बैठक। लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और किसानों सरकार के बीच में वार्तालाप होगी, कितनी अहम होने वाली है ये देखना बिल्कुल लाजमी होगा। पूरे देश की नज़र उस दिन बैठक पर रहेगी और लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो जारी है। 49वां दिन पे पहुंच चुका है। आज लोहड़ी पर तीनों कानूनों की कॉपी जलाएंगे, उन्होंने आह्वान किया है किसानों ने, किसान संगठनों ने कमेटी पर यह आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को मंजूर नहीं किया है। इसी के चलते आपको बता दें कि किसान आंदोलन का 49वां दिन है। आज लोहड़ी पर तीनों कानूनों की ये कॉपी जलाई जाएंगी, किसान द्वारा जलाई जाएगी और किसान संगठनों ने कॉपी का ये विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के पास ये ना जाने का ये बड़ा फैसला लिया है किसानों ने। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है, लेकिन इसी के चलते अगर बात करें कल की फैसले की जो सुनवाई हुई थी किसानों के हक में, लेकिन इसी के चलते उन्होंने ये कहा है कि हमें इन्होंने विरोध किया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से बात करें किसान आंदोलन की तो किसान आंदोलन जरूर चल रहा है और कहीं ना कहीं रुक भी पकड़ता जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं किसान जो है वो संतुष्ट भी नजर आए और कुछ असंतुष्ट भी नजर आए। क्योंकि जो संतुष्ट नजर आए वो इसलिए नजर आए क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 महीने के लिए कृषि कानून पर रोक लगा दी गई है तो उससे तो कहीं ना कहीं किसान संगठन के जो नेता थे या फिर किसान थे वो संतुष्ट नजर आए। मगर जिस तरीके से कमेटी बनाने की जो गठन की बात की गई है और कमेटी के अंदर जो 4 नाम सुझाए गए हैं, अशोक कह सकते हैं अशोक जी का नाम जो सुझाया गया वो कहीं ना कहीं उस नाम से। राजीव, राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान आया था इसी बीच, उन्होंने कहा था रोक तो ठीक है लेकिन हमें इसकी कोई मंजूरी नहीं है, हम खुश नहीं है इस चीज को, सीधा कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं अभी भी। वो देखिए मुझे बता रहे जिस तरीके से बात करें राकेश की तो राकेश ने स्पष्ट जरूर किया था कि जो कृषि कानून को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत बनाई गई है क्योंकि जो लोग इस कमेटी के अंदर हैं वो पहले ही कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए ये कानून लाया गया था। मगर कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष कह सकते हैं कमेटी का काम नहीं करेंगे और निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं पेश करेंगे इसीलिए वो इस कमेटी से नाराज है और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये कमेटी निष्पक्ष काम नहीं करेगी। मगर देखना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाती कमेटी तो कहीं ना कहीं कदम सुप्रीम कोर्ट उठाएगी। मगर देखना है कि 2 महीने का जो समय दिया गया है उससे सरकार कितना समझ ले सकती है। मगर बात करें इस तरीके से सरकार की तो सरकार जरूर कोशिश कर रही है मगर सरकार की तरफ से एक ही रवैया है कि जो कृषि कानून है उसको रद्द न कराया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।